चार बार। अभी ये यहाँ से आप आगे जाओगे तो जो बेकायदेशीर जो रूम बन रहा है, पतरे का रूम हो रहा है, उसके अंदर से ईंट का बांधकाम हो रहा है। देखो, इनको महानगर पालिका, मीरा भाईंदर की महानगर पालिका, उनको परमिशन दे रही है क्या? उनको कुछ मालूम नहीं है क्या? ये सब कुछ सवाल है। लेकिन ये कैसा है, एक बार पक्का ईंट का हो गया, फिर कोई कंप्लेंटर डालेगा, फिर उसका नाम लेके ये लोग बोलेंगे कि भाई इन्होंने कंप्लेंट किया इसलिए तोड़ा, फिर लोग बेघर हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ, अगर परमिशन नहीं है तो इन लोग को मालूम पड़ रहा है, तो इसके पहले बनने क्यों दे रहे हैं? सावत जी, आपने अभी मुझे एक राउंड में दिखाया, मैंने बहुत सारे छोटे छोटे मकान देखे पक्के, जो पतरे से ढका हुआ था मकान। बराबर, तो ये कब कैसे बन जाता है, ये कब बनता है, क्या इनको परमिशन होता है, क्या बीएमसी के अधिकारियों को इस पे पता नहीं होता? मैं दावे के साथ कहता हूँ, यहाँ के बीएमसी के अधिकारी के लोग हैं, यहाँ से घूमते ही रहते हैं, उनको तो सब बात मालूम है। जैसे कि अभी कोई बीएमसी के अधिकारी है, उनसे मैंने अभी 2 साल पहले जाएंगे तो पत्र व्यवहार भी किया है। Okay. अभी वो उनको जो व्हाट्सएप का मीडिया है, मैं व्हाट्सएप पे उनसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे को रिटर्न जवाब आ रहा है कि भाई आपको कार्रवाई चाहिए, अगर उनको कुछ करना है तो ऑफिस में आके बैठो। ये कुछ बात हो गई, उनको सब कुछ मालूम, सब से व्हाट्सएप में बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? हाँ, और कोई मैं आपको बता, जो रूम बनाने वाले है वो तो खुलेआम बोलते हैं कि हमको लेन देन से होता है सब। अच्छा, ये जो रूम बनाने वाले कॉन्ट्रेक्टर होते हैं वो क्या बोलते हैं? ये लेन देन से सिवा कुछ नहीं होता है। अच्छा, बोलते सबको देना पड़ता है। बस सबको, किसको दिया बोलते हैं वो बात करेंगे, मौन रखेंगे। हाँ। कि हम किसको देना है, लेकिन लेन देन से ही होता है, लेन देन से ही सब। अभी आपने भी देखा रहेगा कितने रूम उधर बन रहे हैं, इनका तो परमिशन नहीं कुछ नहीं, 10-10, 12-12 लाख में रूम जा रहा है, आदिवासी का रूम है, जगह है, फिर तोड़ेंगे, फिर लोग बेघर हो जाएंगे, फिर आदिवासी लोग बोलेंगे जगह तो हमारे है, लेकिन लेने वाला तो फंस गया ना बेचारा। जो एरिया आपने मुझे दिखाया वो कौन सा, मांडवी पाड़ा है क्या? मांडवी पाड़ा है, दासकुल पाड़ा है, ये दरगे साइड का जो रोड है। हाँ। अभी वो दरगे साइड के ऊपर जाएंगे तो अभी भी काम चालू है। हाँ, उनको कोई रोका ही नहीं जाता है, उनको कोई रोक टोक है ही नहीं, तो इसका कहने का अगर कोई बोलना जाएगा तो उसके ऊपर ब्लेम आएगा कि आपने बोला इसने टूटा। किस तरह के लोग ये खरीदते हैं? अभी यहाँ से देखो, यहाँ के जो लोग आ रहे हैं, मैं जो इधर के जो छोटे मोटे डेवलपर्स है उनके ऊपर तो मेरा ब्लेम ही है। हाँ। ना ये कुछ देखते कहाँ से आया क्या आया, अगर दासकुल पाड़ा मांडवी पाड़े में जाएंगे ना तो उत्तर भारतीय तो ज्यादा ही है। हाँ। लेकिन यहाँ के अपने बांग्लादेशी लोग, बांग्लादेशी लोग अगर नहीं मिलेंगे तो नाम नहीं मेरा, इनको कुछ नहीं, इनको खाली पैसे से मतलब है। Okay. भाई फाउंडेशन है, 1.5 लाख में 2 लाख में बेचो रूम, बेचा 4 लाख में, खाली पैसा लेके भागना है। कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन आरोपी है, किसने कुछ किया है, कितने उधर कुछ मर्डर किया है क्या, उधर चोरी किया है क्या, इधर करने का, लोगों को बिठाने का, फिर समस्या आएगी तो इधर के स्थानीय लोग समस्या के लिए और पुलिस स्टेशन समस्या के लिए बैठे हम लोग, फिर यही लोग हमारे इनको ये करने का लोग। तो मैं चाहता हूँ इसको प्रारंभिक कब आएगी, वही मैं चाहता हूँ। नहीं नहीं, ये अभी आपने जो बताया इतना सारा काम क्या एक ही कॉन्ट्रैक्टर करता है? ऐसे तो बहुत सारे गली गली में कॉन्ट्रैक्टर है। अच्छा, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर है। अभी आप एक बार, अभी आपने तो सर्वे किया, अभी और भी सर्वे करो, आपको मालूम पड़ेगा कितनी बार तो तोड़फोड़ हो गया, फिर तोड़फोड़ होने के बाद ये पार्टी वाला उसका नाम लेंगे, ये पार्टी वाला उसका नाम लेंगे, लोग तो बेघर हो जाएंगे, कमाने वाला कमा के लेके जाएंगे। सवाल है, देखिए कि स्ट्रक्चर को खड़ा किया जाता है और उसके बाद उसमें कुछ लोग रहने के लिए आते हैं, रहने के लिए आते हैं, 2-4 साल 5 साल हो जाता है, नहीं इधर के बाद उसको तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन इसको बनने ही क्यों दिया जाता है? मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर का एक नया टेक्निक लाया है ये लोग ने। हाँ। जैसे ही रूम बना आज, हाँ, रात को ही अंदर घुसा लेंगे किसको भी। ओके। हाँ, लेंगे, चूना चूना लगा देंगे और बता देंगे भाई ये 6 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 10 महीना हुआ, 2 साल हुआ, ऐसा करके रूम बेचते, ये सब है। और मैं चाहता हूँ कि ये लोग बाहर से जो आ रहे हैं तो उनका पहले इंक्वायरी करो। अरे लोग अपन रहने को जाते हैं, किसी काम वाली को घर पे रखते तो उनका इंक्वायरी करते हैं, उसका पैन कार्ड आधार कार्ड सब चेक करते हैं तो उनको घर पे देते। ये तो सीधा बस्ती हो रहा है, अभी 6 महीने के बाद इनका वोटिंग लिस्ट में नाम भी आ जाएगा, कहाँ से आया, क्यों आया, इधर क्यों आया, उसका पार्श्वभूमि क्या है, कोई इधर देखता नहीं, मतलब इलीगली पूरा एक तो इलीगली गांव जैसा बस जाता है ये, बराबर। और दूसरी बात, अभी लोगों को परमिशन, अगर किसी के घर पे लाइट का मीटर चाहिए तो उसको 10 बार उधर ऑफिस में उनको चक्कर लाना पड़ता है। हाँ। कि हमको लाइट का ये, हाँ, ये वो फॉर्म भरो, ये पेपर ला, वो ला, वो ला। हाँ। इधर तो इतना अभी 10,000-20,000 झोपड़े, उनको लाइट कहाँ से मिलता है? कोई लाइट वाला है 10-12 मीटर लगा देता है, फिर हर मीटर में उनको लाइट दिया जाता है। अच्छा अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि कोई एक लोग जो है लाइट का कनेक्शन लेते हैं और वो लाइट का कनेक्शन पूरे बस्ती को देते हैं। अभी वो बस्ती का लाइट का कनेक्शन देते हो, समझ लो किसी ने वायर जॉइंट में दे दिया। हाँ। अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, किधर हादसा हो गया, किधर आग लग गया, तो फिर ब्लेम किसके ऊपर, फिर उसका तकलीफ कौन, फायर ब्रिगेड वाला उठाएगा, पुलिस वाला उठाएगा, किधर के स्थानीय लोग उठाएंगे, फिर हम लोग भाग दौड़ करेंगे।
ये होता ही क्यों? ये इधर के जो मैं बोलता हूँ, इधर के महानगर पालिका के जितने भी अधिकारी है उनको ये सब मालूम है। ये मेरे को लगता है लेन देन के सिवा कुछ नहीं होता है, सब मालूम है। अगर इसका अगर कुछ होता है तो उसका सर्वोच्च जवाबदारी इधर के महानगर पालिका के अधिकारी रहेंगे।